नमस्कार दोस्तों, स्वाद अनोखा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि में बहुत से लोग 9 दिन तक व्रत रखते हैं और फलाहार करते हैं, तो मैं लेकर आई हूँ एनर्जी से भरपूर, हेल्थी भी, टेस्टी भी। इस रेसिपी का नाम है अंजीर बार। सबसे पहले मैं ले रही हूँ एक कढ़ाई में 1 लीटर फुल क्रीम दूध। इसे गैस पर रखकर रिड्यूस करेंगे। जब तक दूध रिड्यूस हो रहा है, मैं ले रही हूँ 20 पीस अंजीर। मेरा अंजीर का साइज थोड़ा छोटा है, इसलिए मैं 20 पीस ले रही हूँ। अगर आपके अंजीर का साइज बड़ा हो तो आप 16 पीस भी ले सकते हो। अब इन्हें चाकू की मदद से छोटे छोटे पीस में कटिंग करेंगे। सारे अंजीर मैंने कटिंग कर लिया है। अब चलते हैं दूध की ओर। दूध में अच्छे से उबाल आ चुका है और ये 3/4 भी हो चुका है। अब डालते हैं कटिंग किया हुआ अंजीर और इसे लगातार चलाते हुए रिड्यूस करेंगे। देखिए, काफ़ी रिड्यूस हो चुका है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है, लेकिन अभी भी इसे और रिड्यूस करेंगे। अब मैं इस स्टेज में डाल रही हूँ 2-3 बूंद नींबू का रस। आप चाहो तो इसमें फिटकरी भी डाल सकते हो। नींबू का रस या फिटकरी डालने से हमारा अंजीर बार दानेदार बनेगा। अब इसमें डालेंगे 2 बड़ा चम्मच क्रश किया हुआ बादाम और 1 चम्मच पिस्ता। ये ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हो या स्किप भी कर सकते हो, लेकिन मैं जब भी अंजीर बार बनाती हूँ तो ड्राई फ्रूट जरूर डालती हूँ। ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। अब डालती हूँ 2 चम्मच चीनी। दोस्तों, मैं चीनी कम ही डाल रही हूँ क्योंकि अंजीर भी मीठा होता है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। देखिए मिश्रण कितना दानेदार हुआ है और इसका कलर भी कितना अच्छा आया है। अब गैस को करते हैं बंद और इसे होने देते हैं थोड़ा ठंडा। मिश्रण ठंडा हो चुका है। आप चाहो तो इसे थाली में भी सेट कर सकते हो, लेकिन मैं आज इसे इन कप्स में सेट कर रही हूँ।
सारे कप्स मैंने सेट कर लिए है। अब फाइनली इसमें पिस्ता से गार्निश करेंगे। दोस्तों बिना किसी केमिकल के घर के सामानों से बना शुद्ध अंजीर बार खाने को तैयार है, तो आप भी इस नवरात्रि को बनाइए और माता रानी को भोग लगाइए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें।